तो पिछले वीडियो में हमने एलिमेंटर का यूज करके एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया था हमारी वेबसाइट के ऊपर, और आज इस वीडियो में हम एलिमेंटर का यूज करके एक सर्विस सेक्शन क्रिएट करने वाले हमारी वेबसाइट के ऊपर, और वो सर्विस सेक्शन कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। ये बहुत ही स्वीट और सिंपल सर्विस सेक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है, और आप चाहे तो इस टाइप का सर्विस सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, और काफी तरीके के डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर के जरिए। मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से एलिमेंटर को यूज़ करना है। अगर आप वो तरीका सीख जाओगे यूज़ करने का, उसके बाद आप किसी भी टाइप का किसी भी सेक्शन आपकी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो फिर सर्विस सेक्शन हो, अबाउट अस सेक्शन हो, टेस्टिमोनियल सेक्शन हो, कॉन्टैक्ट पेज हो, या फिर आपकी वेबसाइट का हीरो सेक्शन ही क्यों ना हो, आप उसे भी बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो एलिमेंटर की मदद से। और हीरो सेक्शन से मुझे याद आया, हीरो सेक्शन आपकी वेबसाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसे हमने पिछली वीडियो में ही कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके वो वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको एलिमेंटर के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेंगी। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने किस टाइप का हीरो सेक्शन क्रिएट किया था पिछली वीडियो में। तो देखिए, हमने कुछ इस टाइप का हीरो सेक्शन क्रिएट किया था पिछली वीडियो में, जहाँ पे एक राइट साइड में एक मेन्यू था, उसके लेफ्ट साइड में एक लोगो था, ड्रॉप डाउन मेन्यू था, और यहाँ पे हमने एक हेडिंग्स ऐड की थी, उसके नीचे सर्च बार ऐड किया था, और ये कुछ बटन्स हमने यहाँ पे ऐड किए थे। इस तरीके का प्रोफेशनल हीरो सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो एलिमेंटर की मदद से, और इस सेक्शन को क्रिएट करने के बाद लिटरली आप किसी भी टाइप का डिज़ाइन आपकी वेबसाइट के अंदर बड़ी आसानी से क्रिएट करना सीख जाओगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जाइए उस वीडियो को देखिए, उससे भी आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा एलिमेंटर के बारे में। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हो डायरेक्टली हम ये सर्विस सेक्शन क्रिएट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए आपको सिंपली ऊपर टॉप में एक बटन नजर आएगा, एडिट विथ एलिमेंटर, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको प्लस का बटन नजर आएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम कितने कॉलम का सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली 3 कॉलम का सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं इसे कर लेता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद आपको 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है इमेज, और इमेज बॉक्स जो है इसे ड्रैग करके आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर कर देना है ड्रैग। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी इमेज या जो भी लोगो आपको ऐड करना होगा आप वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सिंपली ये वाला आइकन यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसे करता हूँ इंसर्ट। उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहे तो आइकन बॉक्स भी ले सकते हो, यहाँ से आइकन बॉक्स, इसमें क्या होगा, इसमें आपको आइकन्स नजर आएगा कुछ इस तरीके से। आप इसे स्टैक कर सकते हो इस तरीके से, या फिर इसे फ्रेम्ड कर सकते हो, या स्क्वायर कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहे तो आइकन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो सर्विस सेक्शन के अंदर। तो मैं सिंपल यहाँ पे इमेज बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। तो हमने यहाँ पे हमारा आइकन ऐड कर दिया। उसके बाद हम हेडिंग को करते हैं डिज़ाइन। उसके लिए मैं आता हूँ डेमो वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से इस हेडिंग को कर देता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे हेडिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से ही कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्शन टाइप करने लग जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ पेस्ट। अब हम इसे करते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन करने के लिए आपको स्टाइल के ऊपर आना है। यहाँ पे आप इमेज में और टाइटल में कितना गैप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसे कर देता हूँ 20%। उसके बाद आप इमेज की विड्थ कितनी रखना चाहते हो, मैं इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ 25%। उसके बाद आपकी इमेज थोड़ी स्क्वायर है तो आप उसे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। हमारी इमेज ऑलरेडी सर्कल है तो यहाँ पे वो बॉर्डर रेडियस उस पर नहीं नज़र आ रही है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। अगर आप चाहे तो एनिमेशन भी दे सकते हो, जब माउस के ऊपर कोई हावर करेगा तो वो किस तरीके से एनिमेट हो। तो मैं इसे कर देता हूँ अभी के लिए नन। उसके बाद हम कंटेंट के अंदर आते हैं। कंटेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन। कलर को हम इसके करते हैं डार्क ग्रे। उसके बाद टाइपोग्राफी के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ पॉपिंस, और साइज को मैं कर देता हूँ 17%, और इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 700, या फिर आप इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट को हम डिज़ाइन करते हैं, तो इसके कलर को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रे, ताकि हमारे टाइटल से थोड़ा सा फीका नज़र आए। टाइपोग्राफी के अंदर मैं कर देता हूँ पॉपिन। साइज को मैं कर देता हूँ 14%, विड्थ को हमें 400 ही रहने देना है।
उसके बाद देखिए हमारी इस इमेज का कलर और हमारी डेमो वेबसाइट का कलर थोड़ा सा अलग है। तो इस कलर को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, इमेज के सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको CSS फिल्टर का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपल आप यहाँ से इसके कलर को थोड़ा सा डार्क या लाइट कर सकते हो, आपको जैसे भी पसंद आता है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ 92 या 94%। कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और सेचुरेशन को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब हमारा ये डिज़ाइन थोड़ा सा अचीव हो चुका है हमारी डेमो वेबसाइट की तरह। अब मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। तो सर्विस सेक्शन के टॉप में और बॉटम में हमें थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी होगी। उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर और यहाँ पे हम सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, एडवांस के अंदर आ जाते हैं। मार्जिन के अंदर आपको देना है 50%। तो इससे आपके टॉप में भी और आपके बॉटम में भी 50% मार्जिन ऐड हो जाएंगी। उसके बाद इसे कर देना है अपडेट। तो यहाँ पे हमारे सर्विस सेक्शन के अंदर मार्जिन ऐड हो चुके हैं। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, हमारे इमेज और टाइटल के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है हमारे डेमो वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो हमें इस गैप को करना होगा कम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इमेज बॉक्स को सेलेक्ट करना है और स्पेसिंग के अंदर आपको कर देना है इसे -10 या 8%, कुछ इस तरीके से। और कंटेंट और टाइटल के बीच में भी हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैं इमेज को करता हूँ माइनस और कंटेंट को करता हूँ ओपन। उसके बाद यहाँ पे टाइटल स्पेस के अंदर आपको दे देना है इसे 20%, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे कर देना है अपडेट। अब हम इस कॉलम के ऊपर एक बॉर्डर को ऐड करेंगे जो कि हमारे माउस हावर करने पर नजर आएंगी। जब कोई इस सेक्शन के ऊपर माउस को हावर करेगा तो उसे कुछ इस टाइप की बॉर्डर नजर आना चाहिए। तो हम इस बॉर्डर को ऐड करते हैं। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, स्टाइल के अंदर आना है, बॉर्डर के अंदर आना है, हावर के ऊपर आना है और यहाँ से बॉर्डर टाइप को आपको नन से कर देना है सॉलिड और यहाँ पे इसकी विड्थ देना है 1%। अब जैसे ही मैं इस माउस को इस कॉलम के ऊपर हावर करूँगा तो यहाँ पे एक बॉर्डर नज़र आएंगी। अभी वो नज़र नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉर्डर कलर वाइट है। हम इसे कर देते डार्क ग्रे। अब मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। इसे मैं करता हूँ प्रीव्यू मोड में ओपन। मैं आता हूँ नीचे और मैं इस सेक्शन के ऊपर करता हूँ माउस को हावर। तो देखिए मैं माउस को जैसे इस कॉलम के ऊपर हावर कर रहा हूँ तो हमारी बॉर्डर यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि हमारी बॉर्डर सक्सेसफुली हमारे इस सेक्शन के ऊपर ऐड हो चुकी है। अब हमें इस कॉलम के अंदर बटन को ऐड करना है। सिंपली आपको आना है आपके एडिट पेज के ऊपर, 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से बटन को ड्रैग करके यहाँ पे कर देना है ड्रॉप, इसे कर देना है सेंटर अलाइन। टेक्स्ट के अंदर आपको लिखना है नो मोर या फिर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके बाद हम इसे करते हैं स्टाइल। स्टाइल करने के लिए आपको स्टाइल के ऊपर आना है, टाइपोग्राफी के अंदर आपको सेलेक्ट करना है पॉप इन, विथ को मैं ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर को कर देता हूँ व्हाइट नहीं करना है हमें, डार्क ग्रे करना है। बैकग्राउंड कलर को कर देना है हमें ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर टाइप के अंदर हमें करना है सॉलिड और इसके बीच में हमें कर देना है 1%। और इसके कलर को भी हमें थोड़ा सा डार्क ग्रे करना है। उसके बाद देखिए हमारे डेमो वेबसाइट के बटन्स के पीछे शैडो भी है, तो हम वो शैडो भी ऐड करेंगे हमारे बटन के अंदर। तो बटन में शैडो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको बॉक्स शैडो का बटन नजर आएगा। सिंपल यहाँ पे इस पेंसिल बटन पर क्लिक करना है तो आपके बटन के अंदर शैडो ऐड हो चुकी है। यहाँ से इसका ब्लर हमें कम करना है, 4% पे इसे रख देना है। तो यहाँ पे हमारी सर्विस सेक्शन के अंदर बटन भी ऐड हो चुका है। अब मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। अब यहाँ पे हमारी बाकी की दोनों भी सर्विसेज क्रिएट और डिज़ाइन करने के लिए स्टार्ट से उसे डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। सिंपली हमें क्या करना है, इस सर्विस को यहाँ से कर देना है कॉपी और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। उसी तरह से थर्ड वाले कॉलम में भी इसे कर देना है पेस्ट। टाइटल में आपको जो भी टाइटल रखना है वो टाइटल आप ऐड कर दोगे और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो कर दोगे। तो मैं यहाँ से इस इमेज को चेंज करता हूँ, उसके बाद थर्ड कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। उसी तरह से यहाँ से मैं थर्ड टाइटल भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल में आके कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ से इसका भी लोगो मैं कर देता हूँ चेंज हमारी डेमो वेबसाइट की तरह। अब मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। अब सिंपली हमें इन सारी सर्विस के अंदर बटन को भी ऐड करना है। तो सिंपली उसी तरह से कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, उसके बाद इसे भी कर दिया मैंने अपडेट। अब हम इसे प्रीव्यू मोड के अंदर देख लेते हैं किस तरह से नज़र आ रहे हैं।
तो देखिए हमारा लगभग सर्विस सेक्शन यहाँ पे हमारी डेमो वेबसाइट की तरह क्रिएट हो चुका है। अब हमें कॉलम और सर्विस सेक्शन में थोड़ी सी मार्जिंग और पैडिंग को ऐड करना है। तो हमारी सर्विस सेक्शन कंप्लीट हमारी डेमो वेबसाइट की तरह नजर आ जाएगा और बैकग्राउंड में एक ग्रे कलर हमें ऐड करना है। तो हम सिंपल आते हैं हमारे एडिट पेज के ऊपर, मैं इस फर्स्ट वाले कॉलम को करता हूँ सेलेक्ट, एडवांस के ऊपर आता हूँ और मार्जिन के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 10%। उसके बाद सेकंड कॉलम को मैं करता हूँ सेलेक्ट, एडवांस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 10%। और इसी तरह से थर्ड वाले कॉलम में भी हमें कर देना है 10%। उसके बाद फर्स्ट वाली सर्विस को आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पेंसिल बटन पर क्लिक करके इस सर्विस को कर देता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद मैं आता हूँ एडवांस के अंदर, पैडिंग को करता हूँ डेलिंग, टॉप में मैं देता हूँ 10% और बॉटम में मैं देता हूँ 20%, कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेकंड वाली को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडवांस के अंदर आता हूँ, पैडिंग को करता हूँ डीलिंग, टॉप में 10% बॉटम में 20%, उसी तरह से थर्ड वन भी। अब ये सारे सेक्शन के अंदर पैडिंग और मार्जिन ऐड हो चुके हैं। अब सिंपल ये हमें बैकग्राउंड में ग्रे कलर ऐड करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, स्टाइल के ऊपर आना है, बैकग्राउंड कलर के इस ब्रश बटन पर क्लिक करना है, कलर के अंदर आना है और यहाँ पे आपको कर देना है ग्रे कलर को सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे कर देना है अपडेट। अब हम इसे प्रीव्यू मोड के अंदर देखते हैं हमारा सर्विस सेक्शन किस तरह से क्रिएट और डिजाइन हुआ है। तो मैं आता हूँ नीचे, तो देखिए हमारा सर्विस सेक्शन कंप्लीट हमारी डेमो वेबसाइट की तरह क्रिएट और डिजाइन हुआ है, पर हमारे इन वाले सेक्शन के ऊपर हावर करने के ऊपर बॉर्डर नज़र नहीं आ रही है। देखिए तो हम सेकंड और थर्ड सर्विस के ऊपर भी बॉर्डर को ऐड कर देते हैं जब कोई इनके ऊपर माउस को हावर करेगा। तो उसके लिए आते हैं हम एडिट पेज के ऊपर, कॉलम को करते हैं सेलेक्ट, स्टाइल के अंदर आते हैं, बॉर्डर के अंदर हावर, टाइप के अंदर कर देना है सॉलिड और विथ के अंदर कर देना है 1%। और यहाँ पे कलर को आपको कर देना है, और कलर को क्या कर सकते हो आप, इसी कॉलम से कॉपी कर सकते हो ताकि आपके हर कॉलम का बॉर्डर कलर एक जैसा नज़र आए। मैंने यहाँ से इसे क्या कॉपी और इस कॉलम पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। इसी तरह से थर्ड कॉलम को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइल के ऊपर आता हूँ, बॉर्डर के अंदर हावर सॉलिड, बॉर्डर टाइप के अंदर सॉलिड, विथ के अंदर 1 और यहाँ पे कलर को कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। अब मैं आता हूँ प्रीव्यू मोड के अंदर, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं इनके ऊपर माउस को हावर करके देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे बॉर्डर ऐड हुआ है या नहीं। तो देखिए हमारे तीनों सर्विस के ऊपर माउस को हावर करने के ऊपर बॉर्डर ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एनिमेशन ऐड करना है कुछ हमारी डेमो वेबसाइट की तरह। आप कहोगे यहाँ पे तो एनिमेशन कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ किस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे आता है जब ये पेज पहली बार नज़र आता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमें अभी यहाँ पे ऐड करना है। वेबसाइट के ऊपर कोई फर्स्ट टाइम सर्विस सेक्शन के ऊपर आएगा तो उसे ये एनिमेशन नज़र आएगा। तो सिंपली हम आते हैं एडिट पेज के ऊपर, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्विस को कर देता हूँ सेलेक्ट, एडवांस के अंदर आते हैं, एडवांस को कर देते हैं हम हाइट, मोशन इफेक्ट्स को ओपन करते हैं, एनिमेशन को ओपन करते और इसे करते हैं हम फेड इन लेफ्ट और इसके भी टाइम को हम कर देते हैं 1 सेकंड, कुछ इस तरीके से। अब मैं सेकंड सर्विस को करता हूँ सेलेक्ट, एडवांस के अंदर मोशन इफेक्ट्स, एनिमेशन, फेड इन अप, उसी तरीके से बटन को भी एडवांस, मोशन इफेक्ट्स, एनिमेशन, फेड इन अप। तो सेकंड सेक्शन के एनिमेशन टाइम को हमें फर्स्ट वाले सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1500 और मैं देखता हूँ सर्विस सेक्शन में भी मैंने उतना ही ऐड किया है या नहीं, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 1500। उसी तरह से हम थर्ड सर्विस के भी एनिमेशन को एडिट करते हैं, एडवांस के अंदर मोशन इफेक्ट्स, एनिमेशन, फेड इन राइट और इसके टाइम ड्यूरेशन को हम कर देते 2000। इसी तरह से बटन को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। और इसके भी टाइम ड्यूरेशन को मैं कर देता हूँ 2000 यानी कि 2 सेकंड। उसके बाद इसे कर देना है सिंपल ये अपडेट और यहाँ पे हमारा सर्विस सेक्शन 100% कम्प्लीटली डिजाइन और क्रिएट हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर
वो भी एलिमेंटर के जरिए और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। अब मैं आपको इसे प्रीव्यू मोड के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो देखिए 100% हमारी डेमो वेबसाइट की तरह मैंने यहाँ पे आपको सर्विस सेक्शन क्रिएट करके दिखा दिया। इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर आप किसी भी टाइप का सर्विस सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरे टाइप का सर्विस सेक्शन आप आपकी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि इस टाइप का सर्विस सेक्शन। इस टाइप के सर्विस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए मैंने कोई भी मेहनत नहीं की है, सिर्फ मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था पावर पैकेट टेम्पलेट का। उस प्लगइन के अंदर मुझे काफ़ी सारे प्रीसेट्स टेम्पलेट्स मिलते हैं हर सेक्शन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे मिलेंगे। तो मैं सिंपली आपको इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर के अंदर एडिट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आप आपके पेज को जब एलिमेंटर के अंदर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक आता है प्लस बटन का, एक आता है आपको फाइल का। और देखिए जैसे आप आपके वेबसाइट के अंदर पावर पैकेट टेम्पलेट का प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक तीसरा बटन भी नज़र आने लगेगा। तो सिंपली आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं हर सेक्शन के लिए, जैसे कि अबाउट अ सेक्शन के लिए, सर्विस सेक्शन के लिए, और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ करने के लिए, या फिर आप इनके डिज़ाइन को कॉपी करके खुद से आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी टाइप का सेक्शन क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसमें कुछ प्रो भी है, जिस पे प्रो लिखा है वो पेड है, जिस पे कुछ नहीं लिखा है वो फ्री वाले है। और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कैटेगरी के हिसाब से सर्च करना है, जैसा कि आपको अबाउट अस के सेक्शन देखना है फ्री में कितने और पेड में कितने है, तो यहाँ पे सारे आपको अबाउट अस के सेक्शन नज़र आएंगे। या फिर आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आएंगे। और जैसे आप यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास जितने भी सर्विसेज के सेक्शन प्रीबिल्ड बने हुए फ्री टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप प्रीबिल्ड बने हुए टेम्पलेट्स भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको एक इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इन्हें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी टेम्पलेट्स पसंद आता है सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर आपको राइट साइड में इंसर्ट का बटन नज़र आएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और ये टेम्पलेट आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इसे चाहे तो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे ही आपका कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा इसे कर देना है अपडेट और ये सेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर परमानेंटली ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रीबिल्ड बने हुए टेम्पलेट्स भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से आप एलिमेंटर का यूज़ करके किसी भी डिज़ाइन का सर्विस सेक्शन क्रिएट कर सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर खुद से ही, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।